चार दिवसीय राज्य स्तरीय महिला कबड्डी टूर्नामेंट का रविवार को वाराशिवनी नगर के रानी अवंतीबाई स्टेडियम में समारोह पूर्वक शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और प्रमुख अतिथि के रूप में समीर सौरभ, पुलिस अधीक्षक बालाघाट सहित SDM कामिनी ठाकुर मौजूद रहे। टूर्नामेंट की अध्यक्षता जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष राजेश पाठक और संजय सिंह कछवाहा ने की। प्रतियोगिता शुभारंभ से पहले वाराशिवनी पहुंची सभी टीमों के खिलाड़ियों ने नगर भ्रमण कर खेल के प्रति लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। इसके पश्चात सभी खिलाड़ी मैदान पर पहुंचे, जहां कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला इंदौर और सागर के मध्य खेला गया, जिसमें इंदौर की टीम ने जीत हासिल की। वहीं दूसरा मुकाबला बालाघाट और कटनी के मध्य खेला गया। कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि खेल हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका देता है। खिलाड़ियों को हमेशा खेल भावना के साथ मैदान में उतरना चाहिए, इससे उनकी प्रतिभा और कुशलता का परिचय होता है। बालाघाट में हम लोगों ने हमेशा प्रयास किया कि खिलाड़ियों को अच्छा अनुभव हो, और मुझे लग रहा है इसके लिए हमारे जिला कबड्डी संघ के सभी पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। पिछली बार भी जब टीमें आई थी तो हम लोगों ने यह प्रपोज किया था कि हमको कोचेज के साथ और जो हमारे खिलाड़ी उनके साथ बैठ के लंच करना चाहिए। वो एक बहुत ही सफल आयोजन, अच्छा आयोजन था कि हमारे कोचेज जो दूर दराज से आए थे उनको भी अच्छा लगा था। हम लोग का भी लगातार यही प्रयास रहेगा कि वही। कार्यक्रम के अध्यक्ष राजेश पाठक ने कहा कि वाराशिवनी उनकी कर्मभूमि रही है, इसीलिए उनका वाराशिवनी से विशेष लगाव है। यहां सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ऐसी धरती पर टूर्नामेंट होना सौभाग्य की बात है। यहां इसी स्टेट पर वो स्टेट पीछे बनेगा, ये स्टेट हटा दिया जाएगा और 8 बजे रात से रंगारंग कार्यक्रम होगा, जिसमें राजपाल यादव, सलमान और हमारी इंडियन आइडल की 3-4 महिला कलाकार और भी 2-4 लोगों से बातचीत चल रही है, शक्ति कपूर जैसे और चंकी पांडे जी, इनसे भी वार्ता चल रही है। अच्छा, एक भव्य और समापन समारोह शानदार तरीके से आयोजित करने का हम लोगों ने विचार बनाया है। सबसे अधिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है बालाघाट की, पहले जो राजधानी बालाघाट के पहले वाराशिवनी माना जाता था, और इस मैदान की शोभा तभी बढ़ेगी जब इस पे बड़े बड़े आयोजन होंगे। और मैंने बोला हूँ कि ये किसी हमारा खेल नहीं है, ये हमारे पूरे क्षेत्र के पूरे जिले का ये एक बहुत बड़ा अवसर है। हमारे लिए सम्मान की बात है कि एक प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता हमारे तहसील में हो रही है, हमारे नगर में हो रही है। ये सभी दलों का, सभी समाज का, वाराशिवनी क्षेत्र के सभी लोगों का ये एक आयोजन है, और इसको हम लोग सबको दलगत भावना से दूर होकर सामाजिक अपने स्वार्थों से दूर होकर इसको सफल बनाना है। नगरपालिका परिषद बालाघाट के द्वारा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में वर्षा ऋतु से पहले विधायक गौरीशंकर बिसेन के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 15 जून तक शहर के सभी 33 वार्डों में वृहद स्तर पर नाले नालियों की सफाई की जाएगी। रविवार को वार्ड नंबर 3 एवं 10 में सफाई अभियान चलाया गया। वही वार्ड वासियों को विकास कार्यों की सौगात भी दी गई। बैहर रोड में आवागमन में हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए लोगों ने अतिक्रमण हटाने की मांग रखी, जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने विधायक बिसेन से चर्चा कर अतिक्रमण हटाने के लिए आश्वस्त किया। विधायक बिसेन ने कहा कि आज स्वच्छता महाअभियान के दौरान वार्ड वासियों ने जो भी समस्याएं हमारे समक्ष रखी, उनका यथाशीघ्र निराकरण होगा। वार्ड नंबर 3 में पार्षद के घर के सामने 50 मीटर पाइपलाइन कार्य किया जाएगा। अशरफ भाई के जीएन मस्जिद के सामने 30 मीटर एवं प्रिंस कॉलोनी रोड में 50 मीटर पाइपलाइन का कार्य पूरा होगा। नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने बताया कि कायाकल्प योजना के तहत वार्ड नंबर 3 एवं 10 में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इस दौरान उनके साथ भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, नगरपालिका सभापति सुधीर चिले, नगरपालिका इंजीनियर एवं सफाई कर्मी मौजूद रहे। और अब क्रमशः प्रत्येक वार्डों में यह अभियान हमारा जारी रहेगा, और इसमें हमारे ज्यादा से ज्यादा लेबर लगभग 50 की क्वांटिटी में, और हमारे पार्षद, सभापति, सभी अधिकारी, कर्मचारी और सभी हमारे युवा मोर्चा भाजपा के सभी मेंबर्स भी इसमें विशेष रूप से अपना योगदान दे रहे हैं।
प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के शुभारंभ मौके पर रविवार को भाजपा महिला मोर्चा ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान और महिला सशक्तिकरण को लेकर चल रही योजनाओं की जानकारी दी। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश कार्य समिति सदस्य लता एलकर ने बताया कि भाजपा शासन काल में महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण के लिए अच्छे कार्य हुए हैं। इसमें उनका सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सशक्तिकरण भी हुआ है। राजनीति में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने से महिलाओं की राजनीति के क्षेत्र में सहभागिता बढ़ी है। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी योजनाओं से महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, जनपद सदस्य रंजना वैद्य, महिला मोर्चा महामंत्री मीना रहांगडाले, भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल और जिला मीडिया प्रभारी अजय कोचर मौजूद रहे। सशक्तिकरण के लिए भी सरकार ने अपनी योजनाएं बनाई हैं। हर ग्राम क्षेत्र में एक लाडली बहना कमेटी बनाई जाएगी, जो महिलाओं के गांव-गांव उस गांव के महिलाओं की जो भी स्थिति होगी उसका अध्ययन भी करेगी, उसकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। अगर ग्रामों में जो कमेटी बनेगी उसमें लगभग 21 सदस्य होंगे और जो छोटे ग्राम होंगे जैसे टोले टाले होते हैं, इनमें लगभग 11 बहनों की हमारी कमेटी बनने वाली है।